YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर आ रही उस तरफ रुख करते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर रेवाड़ी गैंगरेप मामले को लेकर, जो आरोपी निशु गिरफ्तार हुआ है रेवाड़ी गैंगरेप मामले में, बड़ा खुलासा। इस वक्त की एक अहम खबर, आरोपी को खबरें अभी तक पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें कि जो आरोपी, मुख्य आरोपी जिसने साजिश रची थी इस पूरे मामले की, वो रोहतक में छुपा हुआ था। मुख्य आरोपी निशु रोहतक में छुपा था और रोहतक से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने रोहतक में उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया था निशु को। इस वक्त की एक बड़ी खबर, रोहतक के रिठाल गांव में भीम स्पोर्ट्स एकेडमी में छिपा था निशु। एक अहम खबर, एकेडमी संचालक का यह कहना है कि धोखे से यहां पर छिपा हुआ था आरोपी। निशु के पहने हुए कपड़े और चप्पल अभी भी एकेडमी में मौजूद हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, खबरें अभी तक पर। निशु पहले जींद गया, फिर उसके बाद रिठाल गांव गया। सबसे पहले इस वक्त आपको खबरें अभी तक पर बता रहे हैं कि आरोपी कहां पर छिपा हुआ था। निशु की अगर बात की जाए, जो मुख्य आरोपी है गैंगरेप मामले में, और ये तस्वीरें, ये निशु के कपड़े हैं, जो मुख्य आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबरें अभी तक पर, भीम एकेडमी में छिपा हुआ था, भीम स्पोर्ट्स एकेडमी में छुपा हुआ था, और स्पोर्ट्स एकेडमी के जो संचालक हैं उनका कहना है कि यहां पर वो धोखे से आया था। इस वक्त की एक बड़ी खबर, खबरें अभी तक पर। इस वक्त आप देख रहे हैं निशु मुख्य आरोपी रोहतक गैंगरेप मामले का, जिसने साजिश को रचा था। जिस तरह से एसआईटी की चीफ नाजिन भसीन ने कहा था कि इस मामले का पूरा जो मुख्य आरोपी है जिसने साजिश को रचा था, पूरी वारदात साजिश के तहत अंजाम दी गई थी, रोहतक में छुपा हुआ था निशु, और यहीं से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया है। खबरें अभी तक पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं रेसलिंग एकेडमी खोल रखी है भीम नाम से, यहाँ पर बच्चों की, लड़कियों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। जी बताओ क्या घटना घटी है। ये शनिवार को निशु जो है, शनिवार को 1 बजे ही यहाँ पर आया था। हम बोले भाई कैसे आना होया, तो ये बोला भाई बस वैसे ही, माँ सब परिवार घर पर ठीक ठाक हैं। बोले हाँ सब ठीक ठाक हैं। बोले 1-2 दिन मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मैं ठीक है भाई। इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, और फिर ये यहीं पर रुक गया। रुकने के बाद फिर कल संडे को 7 बजे ही वहाँ पर अकेडमी में, अपने अकेडमी में बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा था, वहाँ पर 5-4 पुलिस वाले आए, और पुलिस वाले बोले भाई यहाँ पर एक निशु नाम का आया हुआ है और उसने रेप कर रखा है, वो क्षेत्रीय केस में है। माँ अच्छा ये बात है, माँ वे निशु रहा और उसको यहाँ से ले जाओ, ठीक है, अगर उसने ऐसा गलत काम किया ना तो उसको यहाँ से ले जाओ। तो उन्होंने, मैंने उसको बता दिया अपने सड़क को, ये नहीं सुरा, और मैंने अरेस्ट करवा दिया उनको, और वे उसको लेकर चले गए। ये कुश्ती करता है, रेसलिंग करता था पहले, जब हम निडानी स्कूल में थे जब ये रेसलिंग करता था, और अब इसका पता नहीं था अभी ये क्या करता था। इसने और कहाँ प्रैक्टिस की है? और इसने वहाँ पर ये बोलता था, पहले बोलता था मैंने गीता फोगाट के, महावीर सिंह फोगाट के, वहाँ पर भी प्रैक्टिस की है, वहाँ पर भी जाके 5-4 महीने वहाँ पर प्रैक्टिस की। तो निशु जिसके लिए, जिसको लेकर उसके दोस्त का कहना है कि उनको नहीं पता था। जाहिर सी बात है कि कोई दोस्त किसी के यहाँ पर पहुंचता है कि मुझे रुकना है तो कोई मना नहीं करता, लेकिन उसको नहीं पता था कि कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर ये शख्स आया है, रोहतक से गिरफ्तार किया। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, किस तरह से इस पूरे मामले का पता चल पाया और क्या कुछ इस मामले में ताजा अपडेट है? हालांकि पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि कहां से उसको गिरफ्तार किया था। देखिए नासिर, आपको बता दें कि जिस तरीके से रेवाड़ी गैंगरेप का आरोपी जो निशु फोगाट है उसको पुलिस ने रोहतक से गिरफ्तार किया और दोस्त के घर से गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस ने सारे मामले को गुपचुप तरीके से किया, उस बारे में कि मीडिया को तक नहीं बताया कि उसकी गिरफ्तारी कहां से जगह हुई है। और आरोपी जो है काफी चलाक प्रवृत्ति का है, पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए रिश्तेदारी में ना जाकर अनजान जगहों पर छुपा रहा। उसके बाद जो है 2 दिन तक छुपा रहा, रोहतक के रिठाल गांव की भीम स्पोर्ट्स अकेडमी में छुपा रहा। और अकेडमी के संचालक ने यह कहा कि धोखे से छुपा हुआ रेप का आरोपी, उसको इस मामले में बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर पहुंचा है। आरोपी के बाद सबसे पहले जींद अपने दोस्त के घर पहुंचा था, शनिवार को जो है रिठाल अपने दोस्त की एकेडमी में पहुंचा था। और ये आरोपी निशु फोगाट जो है वो किश्ती का खिलाड़ी है, गीता व बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट की एकेडमी में भी इसने प्रैक्टिस की है। जी जी हर्षवर्धन, तो जो ये आरोपी है तो फिर क्या इसके बारे में
जहां पर ये छिपा हुआ था, फिर ये मामला सुर्खियों में आया, तो इसके बारे में पुलिस को क्या फिर किसी ने सूचना दी या पुलिस ने खुद से इस बारे में पूरा छानबीन करके पता लगाया? कुछ तो फिर पता चला होगा कि भाई अब शुरू में तो नहीं मालूम लेकिन बाद में ये मामला बढ़ गया था, तस्वीरें भी जारी की गई थी। देखिए जिस तरीके से पुलिस की बात की जाए तो पुलिस तो 72 घंटे तक चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही थी। हालांकि पुलिस को किसी ना किसी तरीके से सूचना मिली थी, उसके बाद ही पुलिस ने जो है इस एकेडमी पे रेड करके इसको गिरफ्तार किया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इसमें जांच क्या करेगी, जबकि आरोपी के चप्पल और उसके कपड़े यही छोड़ के चली गई पुलिस, तो ऐसे में कैसे जांच को सिरे चढ़ाया जाएगा? तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की इस ये हरकत भी जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान कर रहा है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं बार बार अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक पर, ये उसी शख्स शू की चप्पल है और कपड़े हैं जिसने रेवाड़ी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जो उसमें मुख्य आरोपी है, जिसने पूरी साजिश को रचा था। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, इस मामले के बाद जो रोहतक से गिरफ्तार हुआ है, खासतौर से रिठाल गांव की बात करें, वहां पर छुपा हुआ था, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और लोगों में? उनके दोस्त की बाइट हमने सुनी है, उसके दोस्त की बाइट भी। देखिए फिलहाल उसके दोस्त का यही कहना कि उसे इस मामले में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने आकर ये जरूर कहा था कि मैं एक दो दिन यहाँ रुकूंगा, तो ऐसे में उसको भी इस मामले का नहीं पता था। क्या पुलिस ने इससे पूछताछ की है? जहाँ पर रुका हुआ था, जिन लोगों के यहाँ पर रुका हुआ था, उनसे पूछताछ पुलिस की हुई है? अभी कुछ पता चल पाया? देखिए पुलिस ने वहां पहुंच करके जो है एकेडमी का जो संचालक है, उसका दोस्त है जो निशु का, उससे बातचीत की और उसके बाद उसको बताया कि इसी तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम देकर के जो यहां छुपा हुआ है, उसी वक्त उसके दोस्त ने उसके बारे में बताया कि ये निशु यहां बैठा हुआ है, इसे गिरफ्तार कर लो, अगर इस तरीके से घटिया और गलत हरकत करके आया तो इसे तुरंत यहां से ले जाओ, ये उसके दोस्त का कहना है। जी बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये निशु के कपड़े हैं, वो निशु जिसने रेवाड़ी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, मुख्य आरोपी है, साजिश करता है इस पूरी वारदात को अंजाम देने में, साजिश निशु ने ही रची थी और वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। खबरें अभी तक ने आपको सबसे पहले दिखाया है कि निशु को कहां से गिरफ्तार किया गया, किस तरह से गिरफ्तार किया गया। भीम स्पोर्ट्स एकेडमी में छुपा हुआ था अपने दोस्त के यहां पर निशु, कुश्ती भी करता था, कुश्ती की प्रैक्टिस भी कर चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दोस्त के यहां पर वो छिपा हुआ था, दोस्तों को नहीं मालूम था, फिर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसके दोस्त के यहां से उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब उसकी चप्पलें और कपड़ों को आखिर पुलिस क्यों छोड़ गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जांच के लिए हर चीज चाहिए होती है, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कपड़े और चप्पलें निशु की वहीं पर मौजूद हैं जहां से उसको गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेवाड़ी गैंगरेप मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, खबरें अभी तक ने सबसे पहले आपको दिखाया है कि कहां से निशु को गिरफ्तार किया था, रोहतक के रिठाल गांव से निशु, जो रेवाड़ी गैंगरेप मामले का मुख्य आरोपी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन उसके कपड़े और चप्पलें वहीं पर मौजूद हैं। निशु के दोस्त ने बताया कि वो आया था, उसने कहा कि वो एक दो दिन रुकना चाहता है, उनको नहीं मालूम था कि वो कितने बड़े कांड को, कितनी घिनौनी हरकत को अंजाम देकर आया है, और फिर पुलिस को ने जब उन्हें बताया तो उन्होंने उसको पुलिस के हवाले किया। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहना है निशु के दोस्त का। मैं रेसलिंग एकेडमी खोल रखी है भीम नाम से, यहाँ पर बच्चों की लड़कियों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। जी बताओ क्या घटना घटी है? ये शनिवार को निशु जो है शनिवार को 1 बजे ही यहाँ पर आया था। हम बोले भाई कैसे आना होया, तो ये बोला भाई बस वैसे ही, माँ सब परिवार घर पर ठीक ठाक हैं? बोले हाँ सब ठीक ठाक हैं। बोले एक दो दिन मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मैं ठीक है भाई। इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया इस चीज़ के बारे में और फिर ये यहीं पर रुक गया। रुकने के बाद फिर कल संडे को 7 बजे ही वहाँ पर एकेडमी में, अपने एकेडमी में बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा था, वहाँ पर 5-4 पुलिस वाले आए और पुलिस वाले बोले भाई यहाँ पर एक निशु नाम का आया हुआ है और उसने रेप कर रखा है, वो क्षेत्रीय केस में है। माँ अच्छा ये बात है, माँ वे निशु रहा और उसको यहाँ से ले जाओ, ठीक है, अगर उसने ऐसा गलत काम किया ना तो उसको यहाँ से ले जाओ। तो मैंने उसको बता दिया पुलिस वालों को ये निशु रहा और मैंने अरेस्ट करवा दिया उनको और वे उसको लेकर चले गए। ये कुश्ती करता है, रेसलिंग करता था पहले जब हम निडानी स्कूल में थे, जब ये रेसलिंग करता था और अब इसका पता नहीं था अभी ये क्या करता था। इसने और कहाँ प्रैक्टिस की है? और इसने वहाँ पर ये बोलता था, पहले बोलता था मैंने गीता फोगाट के, महावीर सिंह फोगाट के वहाँ पर भी प्रैक्टिस की है, वहाँ पर भी जाके 5-4 महीने वहाँ पर प्रैक्टिस की।
आपने सुना कि निशु का दोस्त किस तरह से बता रहा है कि जब उन्हें पता चला कि इसने इतना घिनौना कांड अंजाम दिया है तो उसने तुरंत पुलिस को बताया कि वो वहां पर सो रहा है, उसको गिरफ्तार कर लो, निशु के कपड़े और उसकी चप्पलें पुलिस छोड़कर चली गई। तस्वीरें कि डिठाल गांव है रोहतक में, वहां से इस शख्स को निशु को गिरफ्तार किया था। यह निशु के दोस्त की तस्वीर है जहां पर वो छुपा हुआ था और इस दोस्त का कहना है कि उनको नहीं मालूम था, आया था वो यहां पर कि मुझे यहां पर एक दो दिन रहना है, दोस्ती के नाते उनको नहीं पता था, उन्होंने कह दिया कि रह लो, लेकिन जब पता चला कि इतनी बड़ी और इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर यह निशु आया है तो उन्होंने तुरंत पुलिस को उसके हवाले कर दिया। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिस एकेडमी में अपने दोस्त के यहां पर स्पोर्ट भीम स्पोर्ट एकेडमी में वो रुका हुआ था, छिपा हुआ था भाग कर गया था। ये उसके दोस्त की तस्वीर जिनके पास वो छिपा हुआ था, इनको नहीं मालूम था। और दूसरी तस्वीर वो निशु जिसने इतनी बड़ी वारदात को, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, एक टॉपर छात्रा जिसे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य साजिशकर्ता रेवाड़ी गैंगरेप का निशु पुलिस की गिरफ्त में है। और हम आपको बता रहे हैं खबरें अभी तक पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आपको अब दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वही गांव है जहां से इसको गिरफ्तार किया था, अपने दोस्त के यहां पर गया था, रोहतक में छिपा हुआ था ये शख्स, रोहतक में, कोई ज्यादा दूरी का फर्क नहीं है रेवाड़ी और रोहतक में, और सबसे बड़ी बात यह कि ना किसी रिश्तेदार के यहां पर किसी जगह नहीं, रोहतक में छिपा हुआ था और वहां से इसको गिरफ्तार किया गया।